ग्वालियर जिले के मुरार जिला चिकित्सालय में एक युवक द्वारा डॉक्टर से मारपीट करने का मामला सामने आया है। दरअसल यह मामला जिला अस्पताल का है, जहां अपना इलाज कराने आए एक व्यक्ति और डॉक्टर के बीच विवाद हो गया, जिस पर गुस्साया मरीज कुछ लोगों के साथ वापस आया और डॉक्टर पर पत्थर से वार किया। इतना ही नहीं, युवक के साथ आए लोगों ने अस्पताल परिसर में पत्थरबाजी भी की। इसमें ड्यूटी डॉक्टर सहित 3 लोग घायल हो गए हैं। बता दें कि एकाएक हुए घटनाक्रम के बाद डॉक्टर और अस्पताल स्टाफ भी एकत्रित हो गया और काम बंद करके हुए मुरार थाने पहुंच कर आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया। मैं डॉक्टर आलोक पुरोहित हूँ। हमारे जिला अस्पताल मुरार में ये घटना आजकल बहुत ज़्यादा होने लगी है। कभी कभी तो जो है डॉक्टर्स के अभद्रता तो करते ही हैं, लेकिन आज तो हद हो गई कि एक पेशेंट से सिर्फ हमारे दिलीप राजौरिया डॉक्टर ने ये कहा सर कि मैं टीवी का स्पेशलिस्ट हूँ और अच्छे से दिखाना हो तो एक मेडिकल के डॉक्टर पर चले जाइए। और इस बात पर वो बात में इतना ज़्यादा, क्योंकि दारू पिए हुए था, इतना ज़्यादा उग्र हो गया कि अपने 2-4 दोस्तों के साथ लाके उसने उन पर अटैक कर दिया, पत्थर मार दिए, हमारे डॉक्टर का सिर फट दिया। सारे डॉक्टर स्टाफ में इतना रोष है कि अभी हमारे जिला अस्पताल मुरार में स्ट्राइक कर दी गई है। हम SP साहब से भी इसकी जानकारी दे दी है, कलेक्टर साहब को भी जानकारी दे दी है, TI साहब को भी जानकारी दे, सारा स्टाफ हमारा थाने पर है। और FIR आज सुबह जिला अस्पताल मुरार में कोई व्यक्ति दिखाने के लिए आया था, तो डॉक्टर साहब ने वहाँ पर, डॉक्टर साहब चेस्ट स्पेशलिस्ट है, उन्होंने किसी को नहीं 105 में दिखाने के लिए कहा था। इसी बात पर से वो आक्रामक हो गया, गाली गलौज करने लगा और उनको डॉक्टर साहब को मारा, जिससे उनकी सर में चोट है और जिस पर मामला कायम करके विवेचना में ले लिया गया है।